सीधी बात करें तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ हीरोज फार्मूला, जिसे कॉमनली हेरोन्स या हीरोन्स फार्मूला के नाम से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं हीरोज फार्मूला होता क्या है। अगर कोई ट्रायंगल है और इसके तीनों साइड्स गिवन हो, जैसे कि ये 5, ये 7, ये 6, कंसीडर कर लेते हैं इसे ए, इसे बी, इसे सी। सीधी बात यह है कि किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई है, तो इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो तो इस केस में आप एरिया जस्ट बाय यूजिंग द वेरी कॉमन फार्मूला विच इज हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, इस फार्मूले को यूज करके आप एरिया नहीं निकाल पाओगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है विच इज यू नो नाउ हेरोन्स फार्मूला। तो एरिया कैलकुलेट आप कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, अंडर रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ई, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। जहां एस का मतलब है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, आई मीन टू से दैट ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय टू। देखिए ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों साइड्स का ये सम है और डिवाइडेड बाय टू यानी कि हाफ हो गया, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर। और ए बी सी यू नो वेरी वेल, ए कोई एक साइड है, बी दूसरा और सी तीसरा। तो ओवरऑल ये है हीरोन्स फार्मूला, राइट। बट द क्वेश्चन रिमेंस कि इसे हम डेराइव कैसे कर सकते हैं। डेरिवेशन शुरू करूं इससे पहले मैं ये बता दूं हमेशा की तरह कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए। इस डेरिवेशन को समझने के लिए आपके पास दो मेन कंसेप्ट होनी चाहिए और दोनों काफी इजी है, 100% आप जानते होंगे। फर्स्ट वन इज पाइथागोरस थ्योरम। यू नो वेरी वेल व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। भाई देखो ये एक राइट ट्रायंगल है और अगर ये बी है और ये पी है और ये एच है, देन आई थिंक यू नो दैट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। सेकंड वन इज ये आपको मालूम होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। बस ये दो चीज अगर आप जानते हो तो समझो आप इस डेरिवेशन को काफी इजली समझ पाओगे। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यू समझते हैं डेरिवेशन को। सबसे पहले आप एक कॉमन ट्रायंगल बना लो, कंसीडर कीजिए इसके सारे साइड्स को कुछ ऐसे ए बी एंड सी। नाउ टू प्रूव दैट एट फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू द बेस दिस, तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस लेंथ को, ये जो लेंथ आप देख रहे हो, हम इस लेंथ को कंसीडर कर लेते हैं एक्स। तो डेफिनेटली ये जो लेंथ है ये होगा बी माइनस एक्स, सो लेट मी राइट हियर बी माइनस एक्स। इस हाइट को एच कंसीडर कर लेते हैं। अब समझिए का प्लान क्या है। सबसे पहले हम इस एच की वैल्यू को फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ ए बी एंड सी। इसके बाद हम उस एच की वैल्यू को अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूला में विच इज यू नो वेरी वेल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां एच की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। बस यही हमारा प्लान है। तो चलिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। तो अब देखो इस राइट ट्रायंगल में, अब देखो ये एक राइट ट्रायंगल है, देखो ये एक जनरल ट्रायंगल था, ये कोई स्पेशल ट्रायंगल नहीं था। बट ये जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 100% ये एक राइट ट्रायंगल है। उसी तरीके से ये एक राइट ट्रायंगल है। अब देखो अगर मैं इसे एक राइट ट्रायंगल कंसीडर करूं तो क्या मैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? डेफिनेटली आई कैन राइट। सो लेट मी राइट द सेम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, एज वेल एज एट द सेम टाइम। तो अब जब इस ट्रायंगल को देखोगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर। बस मैं इसी को लिखने जा रहा हूं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट यू नो बी माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों एच का ही वैल्यू है तो क्या हम इन दोनों पार्ट्स को इक्वेट कर सकते हैं? तो चलिए इक्वेट कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट यू कैन राइट बी माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई, चलिए जरा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, थोड़ा सा स्पेस को सेव करते हुए सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे
तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे बताना मुझे। फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखोगे अब देख लो इसको। तो मैंने इसके बदले ये लिख लिया, घबराना मत, जस्ट मैंने ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया और ये आगे माइनस था इसलिए मैंने सबके साइन को चेंज कर दिया, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नाउ सी यू कैन कैंसिल आउट दिस टू, गुड। अब आप जानते हो ना इसे ट्रांसपोज करोगे यानी कि इस तरफ भेजोगे तो यू नो वेरी वेल प्लस माइनस हो जाता है, तो देखो कुछ ऐसा लिखोगे क्या, ए स्क्वायर ये देखो तो क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये स्क्वायर है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू क्या लिखोगे टू बी एक्स, राइट, टू बी एक्स। चलिए टू बी एक्स, अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो क्या मैं 2b से इस होल को डिवाइड दे दूंगा, तो चलिए थोड़ा सा स्टेप बचाने के लिए मैं इसे कट कर देता हूं और यहां 2b से मैं डिवाइड दे देता हूं। तो ये जो अब आपके सामने है ये x का वैल्यू है, अच्छी बात ये है, ये इन टर्म ऑफ a b एंड c है, राइट। अब आप क्या करोगे इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो चलिए ये छोटा है मैं इसमें पुट कर लेता हूं। सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, इस वैल्यू को मैं पुट करता हूं, ध्यान दीजिएगा ये एक्स का वैल्यू है तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद मुझे स्क्वायर भी करना होगा, तो जस्ट मैं एक्स का वैल्यू को पुट करता हूं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू बी, और मैं एक होल स्क्वायर कर दूं क्या इस स्क्वायर के बदले, तो मैं स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा करना क्या है, चलिए यहां लिख लेते हैं, जरा पेज हमें बचाना है। अब आप ऐसा करो ये स्क्वायर डेफिनेटली इस दोनों के लिए है, तो चलिए इसको मैं दे देता हूं, तो क्या हो जाएगा ये 4b स्क्वायर हो जाएगा क्या, देखो तो 4b स्क्वायर देन टेक द एलसीएम, तो क्या हो जाएगा एलसीएम के रूप में नीचे आ जाएगा आपके पास 4b स्क्वायर, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिएगा, राइट। माइनस मैं इसे ब्रेक नहीं करता हूं तो एज यूजुअल लिख देता हूं, आई मीन टू से दैट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जस्ट मैंने कॉपी डाउन किया और इसके ऊपर तो स्क्वायर देना ही पड़ेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिएगा इसे मैं कैसे मॉडिफाई करता हूं, ये 4b स्क्वायर नीचे है तो मैं उसे ऐसे लिख लेता हूं 1 बाय 4b स्क्वायर। नाउ अब देखो इसके बदले मैं क्या लिख रहा हूं 2ab होल स्क्वायर माइनस, और उसे मैं एज यूजुअल कॉपी डाउन कर रहा हूं, कुछ खास मैंने चेंज नहीं किया है और ये होल स्क्वायर मुझे लिखना पड़ेगा, बट ध्यान दीजिएगा अभी ये स्टेप गलत है, मुझे एक और ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ये दोनों के लिए था, am I right? अब ध्यान दीजिए ये खुद एक फॉर्मूले में सेट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसे मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी ए माइनस बी, देखिए ना ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, राइट, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, मैं इस ए की बात नहीं कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो चलिए इस चीज को लिख लेते हैं ए प्लस बी, जहां ए ये पूरा है प्लस बी यानी कि ये पूरा है, तो चलिए मैं इसे लिख लेता हूं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और अब मैं लिखने वाला हूं a माइनस बी, तो आपको मालूम है a का वैल्यू क्या है, ये पूरा है माइनस b, यानी कि सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं ये सारे स्क्वायर हैं, कहीं क्यूब फिलहाल तो नहीं है, आगे आएंगे भी नहीं। नो अब आपको थोड़ा रीअरेंज कर लेना है, इसे तो कॉपी डाउन कर लेते हैं। अब जरा ध्यान दो 1, 2 एंड 3, बस इसे ऑब्जर्व करो, आप इसे सही से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे ये एक फॉर्मूला में सेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि इन तीनों के बदले जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इन तीनों के बदले मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, और इसे एज यूजुअल हमें कॉपी डाउन करना होगा, तो मैं कॉपी डाउन कर देता हूं और एक ब्रैकेट दे देता हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ये सबके लिए होने वाला है, इसलिए एक ब्रैकेट देना इंपॉर्टेंट है। इसे भी हम कुछ वैसे ही अरेंज करने वाले हैं, बट थोड़ा सा ये ट्रिकी है, तो इस ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं सी स्क्वायर को कॉपी डाउन कर देता हूं, तो मैंने सी स्क्वायर कॉपी डाउन किया। अब इन तीनों को आप देखिए,
ये तीनों डायरेक्टली एक फॉर्मूले में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बट अगर इन तीनों से कॉमन ले लोगे आप, तो जैसे कि आपने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद आप देखो तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बस मुझे बताओ क्या आप ब्रैकेट में ये लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिया राइट ना, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस टू ए बी, यानी कि बाद में ये सेट हो जाएगा इस फॉर्मूला में ए माइनस बी होल स्क्वायर, एम आई राइट? नाउ सी, फिर से आप इसे कॉपी डाउन कर लो और इसे देखो, ये अब फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में सेट है, ध्यान दीजिएगा मैं फिर से बता दूं, मैं इसको बी नहीं बोल रहा हूं, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो देखिए मैंने ए, ए का मतलब ये है ए प्लस बी, यानी कि ये ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। सिमिलरली फॉर दिस, देखिए ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में सेट है, तो क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, सो लेट मी राइट ए, फिर से मैं बता दूं ए का मतलब मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, ए प्लस बी, बी का मतलब ये हो जाएगा ना राइट, और दूसरे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ए माइनस बी, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, ए माइनस बी जो मैं लिखूंगा यानी कि इस पूरे को लिखूंगा, और जब माइनस आगे है तो आपको मालूम है साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी राइट। अब एक चीज समझने लायक है, अब ये जानते हो एस का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, इसका मतलब साफ है 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एम आई राइट? अब हमें a प्लस बी प्लस सी के बदले 2s लिखना है, तो ये हम कैसे कर पाएंगे, ये देखो मैंने लिखा 1 बाई फोर बी स्क्वायर एज यूजुअल, क्या इसके बदले 2s लिखना सही होगा, बिल्कुल सही होगा 2s, इसके लिए मैं डॉट देता हूं मल्टीप्लाई के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप काफी इजिली समझ पाओगे, मैं इस स्टेप को यहां समझाता हूं, ए प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है, तो मैं ए प्लस बी प्लस सी कर देता हूं और माइनस टू सी कर देता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, आप सिंप्लीफाई करके देख लो ना, सी माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस सी ना, यानी कि ये दोनों सेम है, तो समझ लीजिए कि इस चीज को मैंने यहां लिख लिया, और उसके अगले स्टेप में मैं इसके बदले क्या लिख सकता हूं 2s, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2c, मैं इसके बदले क्या लिख सकता हूं 2s माइनस 2c। सिमिलरली अगर इस चीज को आप समझ चुके हो और नहीं समझे हो तो एक बार फिर से इसको देख लो, अगर आप समझ चुके हो तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, देखो तो 2s माइनस 2b और इसके बदले 2s माइनस 2a। अब चलिए मैं आगे बता दूं, 1 बाय 4b स्क्वायर इंटू, अब देखो ये 2s है तो एज यूजुअल आप लिख लो इंटू, इस दोनों से आप 2 कॉमन ले सकते हो और ब्रैकेट में आपके पास होगा s माइनस c, इस दोनों से भी आप 2 कॉमन लोगे और ये है आपके पास अब s माइनस b, सिमिलरली जब आप इससे कॉमन लोगे तो ये होगा 2s माइनस a राइट। अब देखो आप ये 2 और 2 4 और ये 4 कैंसिल आप कर रहे हो राइट, अब जो बचा दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअली h स्क्वायर, एम आई राइट? अब आपको h का वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो चलिए इसे रब कर देते हैं, तो चलिए अब h स्क्वायर को एक बार और कॉपी डाउन कर लेते हैं, ये है हमारे सामने 1 बाय b स्क्वायर इंटू s इंटू s माइनस c इंटू 2 इंटू s माइनस b और ये है फिर से 2 और s माइनस a, जो भी था मैंने उसे कॉपी डाउन कर लिया, तो बताइए h का वैल्यू क्या होगा, यू नो वेरी वेल स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या, जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो देखिए b स्क्वायर के बदले 1 by b बाहर आ जाएगा और ये दो जो 2 है तो इसके बदले एक 2 बाहर आ जाएगा और कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा, तो उसे हम एज यूजुअल रूट के अंदर लिख लेते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूं s, इसके बाद मैं लिख देता हूं इसे जरा अरेंज करके, तो s माइनस ए, फिर लिखता हूं इसे यानी कि s माइनस बी और फाइनली लिखता हूं इसे यानी कि s माइनस सी, एम आई राइट? बस समझिए आपका काम हो गया। अब आपको यूज करना है द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इज नन अदर देन हाफ बेस इनटू हाइट, सो हाफ इनटू बेस इनटू करेस्पॉन्डिंग हाइट। नाउ कैन यू टेल मी हाफ इज हाफ इटसेल्फ,
बेस का वैल्यू जो है यहाँ फिलहाल b है तो मैं b को कंसीडर करता हूँ, और h जो है अभी अभी हमने फाइंड किया है इस h को, यानी कि ये बस आप इसे केयरफुली पुट कर दो और आपका काम हो गया, 1 by b into 2, और इसे मैं लिखने जा रहा हूँ s, s minus a, s minus b, s minus c. Now, 2, 2 cancel, b, b cancel, तो is equal to क्या अब आपके सामने है? आपके सामने है s, s minus a, s minus b, s minus c. और इसी चीज को आप find या prove करना चाहते थे, तो इस तरीके से हमने derive किया Heron's formula और Heron's formula to calculate the area of a triangle. एक बार फिर से मैं समझा दूं, ये बेहद आसान है, आपको एक triangle बनाना है, किसी भी तरीके का आप triangle बना सकते हो. Then किसी एक vertex से आपको carefully perpendicular draw करना है. इसके बाद दो right triangle आपके पास होगा, इन दोनों right triangle को use करके आप h का value find करोगे in term of a, b and c, right? जिसकी simplification थोड़ी सी healthy है. तो हमने फाइनली h की वैल्यू ये फाइंड की. उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला यूज करेंगे, हाफ इनटू बेस इनटू करस्पोंडिंग हाइट, और उसमें h की वैल्यू को पुट करेंगे, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर. सो दैट्स ऑल.